ये हैं मिनियंस, जो कि डायनासोर्स के दौर से ही इस दुनिया में रह रहे हैं। ये सिर्फ खौफनाक विलन्स का ही साथ देते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन हर बार गलती से वो अपने मास्टर को मार डालते हैं। उन्होंने अपने मास्टर डायनासोर को वोल्केनो में फेंक दिया और फिर अपने अगले मास्टर को रीच के हाथों मरवा दिया। इसके बाद वो मिस्र में बादशाह और उसके साथियों को पैरामिड के नीचे दफना देते हैं, और फिर अगली बार उन्होंने अपने मास्टर ड्रैकुला को सूरज की रोशनी में जला डाला। इसके बाद उनको निकाल दिया जाता है जब वो गलती से नेपोलियन को तोप से उड़ा देते हैं। फिर वो दूर कहीं ज़िंदगी गुजारने चले गए और कुछ सालों बाद वो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनका कोई भी मास्टर नहीं था। इस वजह से तीन मिनियंस केविन, स्टुअर्ट और बॉब एक मिशन पर निकल जाते हैं ताकि नए मास्टर को ढूंढ सकें। तीनों 1968 में न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं। वो रात एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गुजारते हैं और वहां ओरलैंडो में होने वाली विलन्स की कॉन्फ्रेंस की एड देखते हैं। अगले दिन वो चोरों की एक फैमिली नेल्सन से लिफ्ट लेते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में वो लोग स्कारलेट ओवरकिल से मिलते हैं। ये पहली फीमेल विलन है और वो तीनों को हायर करके अपने घर लंदन में ले जाती है। तीनों फिर बाकी मिनियंस को कॉल करके ये खबर सुना देते हैं। स्कारलेट मलका एलिजाबेथ से ताज चोरी करना चाहती है और वो मिनियंस को इनाम देगी अगर वो कामयाब हुए, और फिर उन्हें धमकी देती है कि अगर वो फेल हुए तो वो उनको मार देगी। स्कारलेट का हस्बैंड हर्ब उनको अलग अलग वेपन्स देता है, लेकिन चोरी करते मिनियंस को देख लिया जाता है। भागते दौरान बॉब पत्थर में मौजूद तलवार को बाहर निकाल लेता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके, जिसकी वजह से मलका की जगह बॉब अब लंदन का बादशाह बन जाता है, क्योंकि पत्थर से तलवार एक सच्चा बादशाह ही निकाल सकता था। स्कारलेट बेहद गुस्सा हो जाती है कि उसका मलका बनने का ख्वाब खराब हो गया, और इस वजह से बॉब अपना ताज स्कारलेट को दे देता है। गुस्से में स्कारलेट तीनों को जेल में कैद कर देती है। हर्ब वहाँ तीनों को टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन तीनों भाग निकलते हैं ताकि स्कारलेट से जाकर माफ़ी मांग सकें, लेकिन वो लोग गलती से स्कारलेट पर झूमर फेंक देते हैं। स्कारलेट को लगता है कि उसे मारने की कोशिश की गई है और वो उनको मारने का ऑर्डर करती है, और बाकी सारे विलन्स लंदन की सड़कों पर उनका पीछा करते हैं। स्टुअर्ट और बॉब को पकड़ लिया जाता है और केविन एक बार में छुप जाता है। वहाँ वो टीवी पर स्कारलेट को देखता है, जो कि कहती है कि अगर बॉब यहाँ ना आया तो वो दोनों को मार देगी। विलन्स उसके पीछे होते हैं और केविन स्कारलेट के महल जाता है ताकि लड़ने को हथियार ले सके, लेकिन गलती से हर्ब की बनाई गई मशीन में चला जाता है, जिसकी वजह से केविन साइज में बेहद बड़ा हो जाता है। केविन लंदन की सड़कों पर विलन से लड़ता है और अपने दोस्तों को बचाकर स्कारलेट से मुकाबला करता है। बाकी मिनियंस भी तभी शहर में पहुंच जाते हैं। स्कारलेट उन सबको मिसाइल के जरिए मार देना चाहती है, लेकिन केविन उस मिसाइल को खा जाता है। स्कारलेट अपने हस्बैंड के साथ भागने लगती है, लेकिन केविन उन्हें पकड़ लेता है और वो तीनों आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। मिसाइल फिर फट जाता है और इस वजह से शायद केविन, स्कारलेट और हर्ब मारे जाते हैं। मिनियंस केविन के मरने पर रो रहे होते हैं, लेकिन केविन बच जाता है और दोबारा से उसका साइज छोटा हो चुका होता है। मलका को उसका ताज वापस मिल जाता है। मलका बॉब को उसके टेडी बियर के लिए छोटा ताज देती है। स्टुअर्ट को एक इलेक्ट्रिक गिटार और केविन को एक नाइट बना दिया जाता है। स्कारलेट और हर्ब अभी भी जिंदा होते हैं और वो ताज को दोबारा चोरी कर लेते हैं, लेकिन उनको एक गन से छोटा ग्रू जमा देता है और खुद ताज चोरी करके वहाँ से भाग निकलता है। सारे मिनियंस उसके पीछे भागते हैं और ये फैसला करते हैं कि यही वो मास्टर है जिसको वो ढूंढ रहे थे। ये है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।